स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम इन्वेस्ट में। दोस्तों 4 मई की तो जो हमने आपको कॉल दी थी उनमें से पहला था हमारा आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा था हमारा सीमेंस, तीसरा था हमारा अपोलो हॉस्पिटल, चौथा था मुथूट फाइनेंस और पांचवा था एसीसी। तो दोस्तों इसमें आपको टोटल प्रॉफिट हो सकता था 22,800 का, प्लस हमारे जो व्हाट्सएप है। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा एंजल ब्रोकिंग ऐप का, जिससे कि आपको एक अकाउंट खोलना है। दोस्तों देखिए इंट्रा डे करते समय आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लीवरेज की, कि लीवरेज सही नहीं मिल पाता, तो प्लीज आप एंजल ब्रोकिंग के साथ खोलिए। ये आपको 48 टाइम्स लीवरेज देते हैं, प्लस आपका जो ब्रोकरेज होगा वो फ्लैट 20 रुपीज होगा, नो हिडन चार्जेस। तो दोस्तों ये बहुत प्रॉफिटेबल है, नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर है। अगर आप खोलना चाहते तो आप खोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप खोलेंगे तो आपको एडवांटेज रहेगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होंगे तो आपको टोटल 9 कॉल मिलेगी, जिससे कि मिनिमम 4 स्टॉक में ट्रेड करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि 5 स्टॉक के साथ आप एकदम एक चीज पिक नहीं कर सकते, एक ही स्टॉक में आप एक ही ट्रेड पुट कर सकते हैं, बट कि मिनिमम 4 कॉल आपको पुट करनी पड़ती है। तो इसीलिए आप अगर खोलना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो पहला था हमारा स्टॉक था हीरो मोटर कॉर्प, दूसरा था हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्टिंग फाइनेंस, तीसरा था हमारा इंडसइंड बैंक और चौथा था हमारा अपोलो टायर्स, जिसमें आपको टोटल प्रॉफिट हो सकता था 11,700 का। तो आज का जो हमारा टोटल प्रॉफिट रहा व्हाट्सएप प्लस YouTube में 34,500 का। दोस्तों ये जो हमने आपको प्रॉफिट बताया ये प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल यानी कि जितने शेयर हमने दिए थे उसके अकॉर्डिंगली आपको निकाल के दिया है। अब इसमें से आपको कहीं आपको कम हो सकता है, जितने शेयर आपने लगाए और जितने स्टॉक्स पे आपने ट्रेड किया उस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ज्वाइन होने के लिए हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, बस आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है हमारे थ्रू, हमारे लिंक के थ्रू। हमारे लिंक के थ्रू जब आप एक बार अकाउंट ओपन कर देंगे तो आपको क्या क्या एडवांटेज है मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद आपको एक एडवांटेज हमारी तरफ से मिलेगा कि हम आपको 4 एक्स्ट्रा देंगे, प्लस वो जो कॉल्स होगी वो उसमें आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। मानिए मेरी बात, जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में है वो डेली प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि मैं इतना सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ आपको जिससे आपका प्रॉफिट तय रहता है। तो दोस्तों चलिए आइए एसीसी, जब कल का हमारा स्टॉक था एसीसी, काफी लोग कंफ्यूज थे इसमें, तो मैं एक बार चार्ट में रिव्यू कर देता हूँ। बाय करके चलना था। दोस्तों देखिए ये बाइंग और सेलिंग प्राइस तो हमारी क्या है, यूजलेस हो चुकी थी, क्योंकि मार्केट ओपन हो चुका था गैप डाउन। तो इसीलिए ये जो पॉइंट्स बॉक्स में देता हूँ इनका यूज होता है। तो ये क्या यूज होता है मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप गैप डाउन आप स्ट्रेटजी देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई कार्ड बटन पे क्लिक करके आप वहां पे भी देख सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, वो जरूर देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए थे ये पॉइंट्स होते हैं हमारे जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसके बाद जो हम बाइंग प्राइस देते हैं उसके बीच का डिफरेंस होता है। तो शॉर्ट सेलिंग में भी 4 पॉइंट का था और बाइंग में भी 4 पॉइंट का था, ये आपको ऐसे समझ जाएगा, आप गैप डाउन स्ट्रेटजी एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए जैसे कि हमने आपको बताया वो पॉइंट्स आपको कहाँ यूज करने, जैसे कि ये ओपनिंग प्राइस आज इसका था 11,330 का, तो इसने हाई बनाया अपना 11,140 का, स्टॉप लॉस था इसका 11,125 का। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, काफी लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ मैं मानता हूँ। तो पहले आपका बाय साइड का या फिर सेल साइड आपने पकड़ ली होगी, दोनों में से आप कंफ्यूज होंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, यानी कि 28 पे आपने जब कॉल पकड़ी होगी तो 20 ये इसने टारगेट अचीव नहीं किया, 28 नहीं सॉरी 26 पे जो कॉल पकड़ी होगी उसमें आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्योंकि 4 पॉइंट का डिफरेंस था। शॉर्ट सेलिंग आपकी हो गई थी 26 की और जो आपको बाय करना था इसे अब करना था 1134 पे। तो दोस्तों 1134 के पहले ये स्टॉप लॉस हिट कर चुका था, फिर दोबारा से इसने अपनी कॉल पकड़ी यहाँ पे, उसके बाद इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं किया क्योंकि मैं बताता हूँ आपको स्टॉप लॉस कैसे हिट नहीं किया। देखिए दोस्तों आप स्टॉप लॉस जब लगाते हैं तो वो 0.00 होने पर ही आपका जो एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर एग्जीक्यूट तभी होता है, उससे पहले नहीं होता। तो ये 1128.05 पे मान लीजिए आपने कोई ब्रोकर यूज किया, अब मैं नहीं कह सकता, गारंटी नहीं दे सकता आपके ब्रोकर ने आपको शायद से सेल कर दिया हो तो हो सकता है आपको लॉस, बट हमारा जो था वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसके बाद इसने बाय साइड का टारगेट अचीव किया। फिर ये थोड़े देर बाद अप्रोक्स 11:30 पे इसने हमारी सेल साइड की कॉल पकड़ी, इसने जब हमारी सेल साइड की कॉल पकड़ी तो उसके बाद इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उसी के बाद तुरंत बाद यहाँ पे आके इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यानी कि यहाँ पे सेल साइड की कॉल पकड़ी, 23 तक ये गया, एक पॉइंट से मिस हो गए, क्योंकि 26 का इसका जो था 26 क्योंकि 1130 पे ये ओपन हुआ था, तो -4 किया हमने इसके पॉइंट, तो हो गया 1126 पे इसको सेल करना था। अभी इसने क्या करा, इसने अपना लो बनाया 1123 का, तो 1123 में 26 पे तो ये चले गया था, उसके बाद इसने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यहाँ पे आके इसने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया था जो कि था 32 का, क्योंकि 6 पॉइंट का डिफरेंस था। ये स्टॉप लॉस कैसे निकाला हमने गैप अप गैप डाउन में भी, ये भी हमने आपको गैप डाउन स्ट्रेटजी में बताया है, आप वहां जाके देख लीजिए। उसके बाद दोबारा इसने कॉल पकड़ी तो उसके बाद इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और आपका टारगेट सक्सेसफुली यहाँ पे अचीव करके आपको दे दिया था। जब
आपका टारगेट था 1120 का और इसने आपको 1118 का लो बनाया। दोस्तों ऐसे आपका एसीसी में टारगेट अचीव हुए और लॉस हुए। मैं मानता हूं कि 2 बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपने कॉल पिक नहीं करी होगी, इसलिए मैंने एसीसी को नेगेटिव में रखा है। भला कि इसमें रिकवर हो सकता था, दोनों साइड का रिकवर हो सकता था, बट ये नेगेटिव में मैंने इसलिए रखा है कि आपने नहीं ली होगी। मैं भी मानता हूँ, अगर मैं भी होता एज अ नॉर्मल ट्रेडर, मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो मैं भी 2 बार स्टॉप लॉस हिट होने पर मैं नहीं लेता हूँ, इसलिए मैंने उसे -2400 का उसमें स्टॉप लॉस रखा है। तो दोस्तों अगला स्टॉक था हमारा मुथूट फाइनेंस। देखिए मुथूट फाइनेंस में क्या हुआ, इसको देखिए जब गैप डाउन गैप पर स्ट्रेटेजी होती है तो ये पॉइंट्स बहुत मेन रोल करते हैं, मैंने अभी आपको समझाया। अब मेन रोल क्या था इस पॉइंट्स का, मैं आपको बताता हूँ। बाई साइड में हमें 3 पॉइंट्स था और शॉर्ट सेल में हमारे 4 पॉइंट का डिफरेंस था। तो देखिए दोस्तों मुथूट फाइनेंस में क्या हुआ, ये मैंने आपको ज्यादा सिंप्लीफाई में ज्यादा अच्छे से समझाया, इसलिए मैंने 1 मिनट का चार्ट फ्रेम रखा है। 1 मिनट के चार्ट में क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि पहले इसने अपना हाई और लो सेम बनाया था, तो अपना ओपन और लो सेम बनाया था, जिससे कि आपको क्लियर हो जाता है कि हमारा पहली बार में टारगेट अचीव हो गया था बाई साइड का। शुरू होते ही तो बाई साइड का हमारे दोनों टारगेट अचीव हो गए थे, प्लस हमारे सेल साइड के भी हमारे टारगेट अचीव हुए। सेल साइड के टारगेट कैसे अचीव हुए मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए दोस्तों उसी के जैसे ही हमारा बाय साइड का टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद जब इसने गेम पलटा, उसके बाद सेल शॉर्ट सेल करके एकदम से हमारा टारगेट सेल शॉर्ट सेल का भी अचीव हो गया। तो हमें इसे शॉर्ट सेल करके चलना था जब ये ओपन हुआ था। देखिए देखिए मैं आपको फैक्ट बेसिस पे बताता हूँ, जब ये ओपन हुआ था 822 पे, तो हमने कहा आपको 4 पॉइंट का डिफरेंस है शॉर्ट सेल में, तो ये 818 पे यानी कि 818 पे इसको हमें सेल करना था। जब आपने 818 पे से सेल किया तो इसका जो हमारा डिफरेंस था टारगेट प्राइस, यानी कि हमारा जो टारगेट प्राइस था वो 5 पॉइंट्स का था। तो 18 से इसने लो बनाया 10 8080 का, तो 8080 यानी आपको जो था पूरा दोनों टारगेट प्राइस यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों टारगेट प्राइस हमारे अचीव हो गए थे। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इस चीज में। अब मैं मान सकता हूं कि अब जो मैंने आपको क्लियर की है चीजें, इससे आपको पता चला होगा कि कैसे कैसे हमारे टारगेट अचीव हुए। काफी लोगों को कंफ्यूजन थी इसमें कैसे हुआ, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो दोस्तों कल के स्टॉक जानने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप अगर इस चैनल पे नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारे डेली अपडेट पाने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी भलाई के लिए स्किप करते हैं तो आपको लॉस का सफर करना पड़ता है। आप दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके लॉस मेकर ट्रेडर तक पहुंचाइए लॉस, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी एंड में। तो दोस्तों पहली चीज जो कि आपको मैं स्टॉक्स दोस्त से पहले समझाना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत मेन है दोस्तों, इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपको करना कैसे कैसे। तो स्टॉप लॉस मेन कैसे है कि आपको जब भी आप ट्रेड पुट करेंगे, हमारे स्टॉक्स अगर आप पिक करेंगे, तो सबसे पहले आप ट्रेड पुट करने के बाद आप सेकंड चीज क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, और स्टॉप लॉस को प्लेस करते जाएंगे आप फर्स्ट टारगेट प्राइस पे, सेकंड टारगेट प्राइस पे, जैसे जैसे हमारा टारगेट अचीव होता रहेगा। टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टारगेट प्राइस का पीछा कर रहा है, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट टारगेट प्राइस पे स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। इमेजिनरी स्टॉप लॉस चाहे आप एक्चुअल स्टॉप लॉस लगाएं, एक्चुअल स्टॉप लॉस ब्रैकेट और तो काम नहीं कर रहा है, बट इमेजिनरी स्टॉप लॉस लगाएंगे कि जैसे ही मैं फर्स्ट टारगेट प्राइस पे दोबारा आए, मान लीजिए स्टॉप लॉस अब आपको वो हो चुका है जब आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, उसके बाद आप दिमाग में मत रखिए कि मेरा पुराना स्टॉप लॉस क्या था, नए स्टॉप लॉस पर ध्यान दीजिए, वैसे हिट होता है ट्रेड से बाहर आने। दूसरी चीज है वन टाइम यूज कॉल। वन टाइम यानी कि पहली बार अगर हमारा टारगेट अचीव होता है तो आप कॉल पहली बार में टारगेट अचीव होता है तो दूसरी बार वो कॉल पिक नहीं करेंगे, यानी कि बाय साइड का टारगेट अचीव हुआ आप दूसरी बार बाय साइड की कॉल पिक नहीं करेंगे, सेल साइड की कर सकते हैं। एक ही स्टॉक में हम दोनों कॉल देते हैं, सेल साइड का टारगेट अचीव हुआ बाय साइड की कॉल पिक कर सकते हैं, बट सेल की नहीं करेंगे। बट अगर पहली बार में स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप पिक कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं आप पिक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ओपन इज इक्वल टू हाई, ये कंडीशन ये है कि जब कोई मार्केट ओपन होता है जिस प्राइस पे ओपन होता है वही उसका हाई होता है, तो उसके बाद मार्केट नीचे आने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने की चांसेस हैं। वैसे आज मार्केट गिर चुका है काफी, तो मैं ये बोलूंगा कि आप ज्यादा ट्रेड में ना रुकें, लेकिन ओपन इज इक्वल टू हाई कंडीशन होती है तो आप ट्रेड में रुकें, शॉर्ट सेल करेंगे आप हमारा टारगेट अचीव होने के बाद जितने पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। अब कितने पॉइंट का टारगेट होगा ये आप गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी से जान लीजिए और हमारे जो स्टॉक दिए होंगे उसमें से पहचान लीजिएगा कि कितने पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, उतने पॉइंट आप स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाएंगे जैसे जैसे ये शॉर्ट सेल होता जाएगा, स्टॉक नीचे आता रहेगा, ट्रेड में बने रहेंगे इसमें। दूसरी चीज दोस्तों ओपन इज इक्वल टू यानी कि जब स्टॉक ओपन होगा वही उसने अपना लो बनाया, उसके बाद वो चलता गया मार्केट ऊपर जाता रहा, तो आप स्टॉप लॉस हल्के हल्के करके ऊपर ऊपर प्लेस करते रहेंगे। इमेजिनरी स्टॉप लॉस अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, इमेजिनरी स्टॉप लॉस को प्लेस करते रहेंगे ऊपर ऊपर। एक चीज में लिख लीजिए, मान लीजिए आप एक कॉपी में लिख लीजिए अब मेरा स्टॉप लॉस ये चुका है अगर आपको याद नहीं रहता है, और कॉन्सेंट्रेट जरूर करेंगे दोस्तों, पैसा आपका है आप गवा सकते हैं इस पैसे को। तो दोस्तों ये कंडीशन है, वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि ज्यादा देर ट्रेड में ना रुके, लेकिन ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो कंडीशन होती है तो आप ट्रेड में जरूर रुकिए, मैं आपको बोलता हूँ जरूर रुकिए, बट स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। स्टॉप लॉस आगे आगे बढ़ाते रहिएगा, जो आपने अर्न किया है वो आपसे जाए ना।
और दोस्तों पांचवी चीज है गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी, आप देख लीजिए तभी आपको ये सारा पॉइंट जो मैंने कहा है वो क्लियर होगा, जब आप गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी देखेंगे आपको डिस्क्रिप्शन और प्लस आई बटन में क्लिक करके वो मिल जाएगा। तो पहला स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस, जिसमें आपको 250 शेयर्स आप बाय करके चल सकते हैं। 2089 पे स्टॉप लॉस रहेगा, 2079 का टारगेट बचेगा, 2092 लेकर 2106 का, इसमें आपको 10 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। आप इसको सेल करके चलेंगे 2071 पे स्टॉप लॉस रहेगा, 2081 का टारगेट बचेगा, 2061 लेकर 2051 का, इसमें आपको 8 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने जो आपको चार्ट समझाया है आपको ये चीज तब तक समझ नहीं आएगी मैंने कैसे टारगेट अचीव हो गया, जब तक आप गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी को समझेंगे नहीं। उस चीज को देखिए, बार बार देखिए उस वीडियो को, जब तक समझ नहीं आता समझने के बाद ही आप आगे बढ़िए। और दोस्तों जितना हो सके ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लेते रहिए, ऐसा नहीं कि खाली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, सीखिए, आप सीखेंगे तभी आप डेली बेसिस पर प्रॉफिट कमा पाएंगे। आप इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे 2071 पे स्टॉप लॉस रहेगा, 2081 का टारगेट बचेगा, 2061 टू लेकर 2051 का। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा GSM इंडस्ट्रीज, जिसमें आप 800 शेयर्स बाय करके चल सकते हैं। 483 पे स्टॉप लॉस रहेगा, 480 का टारगेट बचेगा, 486 टू लेकर 490 का। दोस्तों इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है 4 पॉइंट का, और आप इसे शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। 476 पे स्टॉप लॉस रहेगा, 479 का टारगेट बचेगा, 473 टू लेकर 470 का। दोस्तों इसमें 3 पॉइंट का डिफरेंस देखने को आपको मिल जाता है। अगला स्टॉक हमारा PVR, जिसमें आप बाय करके चल सकते हैं। 400 शेयर्स 964 पे स्टॉप लॉस रहेगा, 958 का टारगेट बचेगा, 970 टू लेकर 976 का, इसमें आपको 4 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। आप वहीं इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे 956 पे स्टॉप लॉस रहेगा, 962 का टारगेट प्राइस रहेगा, 952 लेकर 944 का। दोस्तों इसमें आपको 4 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। TCS आप इसमें 250 शेयर्स बाय करके चल सकते हैं, 935 पे स्टॉप लॉस रहेगा, 925 का टारगेट बचेगा, 1935 पे आप इसको बाय करके चलेंगे, 1925 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, 1945 टू लेकर 1955 का आपका टारगेट प्राइस रहेगा, इसमें आपको 5 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। आप इसे शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं, 1923 पे स्टॉप लॉस रहेगा, 1933 का टारगेट प्राइस रहेगा, 1913 टू लेकर 1903 का, इसमें आपको 7 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल जाता है शॉर्ट सेल के साइड, और 5 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिलता है बाय की साइड। अगला स्टॉक है हमारा MGL, जिसे आप 400 शेयर्स बाय करके चल सकते हैं। 945 पे स्टॉप लॉस रहेगा, 940 का टारगेट प्राइस रहेगा, 950 टू लेकर 955 का, इसमें आपको 4 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और फिर इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे, 938 का स्टॉप लॉस रहेगा, 943 का टारगेट प्राइस रहेगा, 933 टू लेकर 928 पे, इसमें आपको 3 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जब ट्रेड पुट करेंगे तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट अपनी ट्रेड पे करिएगा, इधर उधर की बातों पे मत करिएगा। और अगर आप दो स्टॉक्स हैं आपके पास दो अकाउंट हैं, और मान लीजिए आपने हमारे अकाउंट के साथ खोला है, हमारे लिंक के थ्रू हमारे साथ आपने अकाउंट खोला है और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड है, तो मैं उनको ये कह दूं कि आपको एक एक स्टॉक, यानी कि एक अकाउंट में एक स्टॉक प्लस दूसरे अकाउंट में एक स्टॉक, यानी कि दोनों एट अ सेम टाइम आपको दो एक एक स्टॉक वहां पे पुट करने हैं, तभी आपके सेम टाइम में दो स्टॉक आप ट्रेड कर पाएंगे, बाकी के बचे स्टॉक आप अगली बार पे पुट करेंगे अगली चैनल। तो दोस्तों अगली बार यानी कि उसी दिन, बट जब ये ट्रेड कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और आपको कैसा प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बट टेलीग्राम चैनल में कोई कॉल जनरेट नहीं होगी, बस मैं आपसे कभी पूछ लूंगा आपके व्यूज, और दोस्तों कॉल्स खाली व्हाट्सएप और यहाँ जनरेट होगी। जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा उसमें ज्वाइन होने के लिए क्या क्या करना है मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।